अमनौर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा का टिकट न मिलने पर विधायक ने अब आजीवन अन्न ग्रहण न करने की बात कही है। उनका कहना है कि अब वो सिर्फ फलाहार पर ही रहेंगे। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी के गृह क्षेत्र अमनौर में टिकट कटने के बाद चोकर बाबा ने सांसद को निशाने पर ले लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक चोकर बाबा के निशाने पर मंगल पांडे और सुशील मोदी भी रहे। उनके ऊपर चोकर बाबा ने टिकट काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी लोकप्रियता से परेशान होकर इन नेताओं ने मिलकर उनका टिकट कटवा दिया, जिसके कारण उन्होंने आजीवन फलाहार पर रहने का निर्णय लिया है। न्यूज़ डेस्क।